अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एम्ब्रॉयड बर्ड, जिसमें लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़ है। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। आज का वीडियो का टॉपिक है कि अगर अभी शारजा के विजिट वीज़े के अंदर प्रॉब्लम है तो कौन सी स्टेट है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि आप वहां से वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो शारजा में भी कुछ टाइम ऐसा आया था कि यूएई में अगर दुबई से वीज़े नहीं लग रहे थे तो कुछ काफ़ी लोगों ने शारजा से अप्लाई करवाया। ठीक है, शारजा की इमिग्रेशन थोड़ी इजी है, इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं होती हैं, बट ये है कि आज कल हर स्टेट के वीज़ों के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि जी हम कौन से स्टेट को कंसिडर करें कि जहाँ के वीज़े हमें आसानी से मिल जाएं। ठीक है, अभी वैसे अगर रियलिटी की बात की जाए तो सारी ही स्टेट के जो है हालात बुरे चल रहे हैं, वहाँ से पाकिस्तानियों के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा है या वर्क वीज़ा है। ठीक है, जब तक ये चीज़ें जाके नवंबर के लास्ट में दिसंबर में समझ आएंगी, तब कुछ बता सकते हैं कि क्या आपको आगे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप यूएई का आपका वीज़ा नहीं लगता तो आप बाकी स्टेट को, गल्फ की बाकी स्टेट को भी कंसीडर, स्टेट नहीं कंट्री को कंसीडर कर सकते, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, बहरीन हो गया, ओमान, कतर हो गया, आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप सऊदी आ जाते हैं या फिर कतर ओमान आ जाते हैं तो वहाँ से बाय रोड आप यूएई के अंदर भी इंटर हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये भी निकलता है। तो यहाँ पे आके आपका, अगर क्योंकि आप इनसाइड होंगे तो आप किसी भी टाइपिंग सेंटर से अपना वीज़ा रिन्यूअल करवा सकते हैं, वीज़ा ले सकते हैं अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो। ठीक है, बट आउटसाइडर के वीज़ों के अंदर अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरे ख्याल से किसी भी स्टेट, दुबई, शारजा, ठीक है, और या किसी भी स्टेट के वीज़े के अप्लाई करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा किसी और कंट्री को कंसिडर करें, गल्फ कंट्रीज़ को, जहाँ से कि बाय रोड आप यूएई के अंदर आ सकते हैं, अगर आपने यूएई के अंदर ही आना है। ठीक है, बट ये है कि बाकी अगर जो कंट्री को आप कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये है कि वीज़ों की सूरत हाल इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, वर्क वीज़े भी लग रहे हैं और बाकी काम भी हो रहे हैं, वहाँ से अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए मे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, नहीं तो आप वहाँ से इजीली यूएई के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है कि आपको स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ करनी है किसी भी कंट्री में जाने के लिए। ठीक है, अगर आपने उस कंट्री के अंदर जाना है तो आप उसके लाजमी नहीं उसी के वीज़े के लिए अप्लाई करें। ठीक है, उसके नियरेस्ट जो जिनके बॉर्डर लगते हैं या बाय ट्रेन, बाय शिप, कोई भी सोर्स हो जो कि उस कंट्री में आता हो, ठीक है, आप उस कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे यूरोप है या कोई भी कंट्री है, क्योंकि ये एक ईजी सोर्स होता है उस कंट्री में आने के लिए। बाद में आप वहाँ पर आके अपने वीज़े का प्रोसीजर और वो कंप्लीट करवा सकते हैं। बट अगर आप सोचते हैं कि उस वो एक टफ कंट्री है और पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, इंडिया से उसका मुश्किल है, तो फिर एक यही रास्ता निकलता है। ठीक है, क्योंकि आसपास के कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं कि जो वीज़ा इशू कर रहे होते हैं उसके अंदर कोई पाबंदी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे आबादी नहीं होती और उनको लोगों की ज़रूरत होती है, तो वो वीज़ा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बट ये है कि वो उनके साथ ऐसे कंट्री लगते हैं कि जो कि काफ़ी बड़े कंट्री होते हैं, तो आप उस कंट्री में जा सकते हैं इजीली और वहाँ से बाकी कंट्री में भी आ जा सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको एक ऑप्शन बताया कि अगर आपका दुबई शारजा का वीज़ा नहीं लगता तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ये भी बचता है। देखिए, आज की वीडियो यहीं तक, वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा और सपोर्ट की ज़रूरत है सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के सामने आपके सामने फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।